हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आपका नाम जिस भी अल्फ़ाबेट से शुरू होता हो, आपको वो अक्षर, वो लेटर पिक करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन का आपके लिए अगला कदम क्या होगा। तो यहाँ पर दो पायल रखी हुई हैं, जो भी आपके नाम का फर्स्ट लेटर है उसको चुनिएगा, उसको पिक करिएगा। आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है उनका अगला कदम आपके लिए, तो यहाँ सभी लोग देख लीजिएगा। पास से दिखा रही हूँ, ये दो पायल हैं। थैंक यू, वेलकम पायल वन। तो जिन भी व्यूअर्स का नाम ए से लेकर वाई तक है, देख लीजिएगा, देखते हैं कि आपके पर्सन का आपके लिए अगला कदम क्या होने वाला है। और आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपके लवर, आपके क्रश, कोई भी हो सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड जंप आउट होकर नीचे गिरा है। तो डियर फ्रेंड्स, कार्ड्स आपके लिए अच्छे निकल कर आए हैं, और ये दोनों कार्ड रिवर्स में थे, जो हम रिवर्स में ही लेने वाले हैं। यहाँ पर अगला है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो फ्रेंड्स कुछ समय पहले तक आपके पर्सन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, मतलब पूरी तरह से उनको ये नहीं पता था कि उनको आगे क्या करना है, श्योर नहीं थे अपनी फीलिंग्स के प्रति, श्योर नहीं थे अपने थॉट्स के प्रति, श्योर नहीं थे अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो इनडिसाइजिव मोड में थे। हमेशा सोचते बहुत थे किस चीज़ को चुनना है, किसको छोड़ना है, और उनकी लाइफ में क्योस इसलिए ज़्यादा थे कि उनको आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में असलियत नहीं समझ में आ रही थी। उनको अक्सर ये लगता था कि ये रिलेशनशिप चलताऊ है, मतलब जैसे बाकी के रिलेशनशिप होते हैं कि आज शुरू हुआ, 2 महीने में ख़त्म हो गया, कुछ का 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो उनको ये लग रहा था कि ये रिलेशनशिप भी ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए वो श्योर नहीं थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। अब जो सरेंडर की पोजीशन थी उनकी, वो ख़त्म हो चुकी है। सरेंडर की पोजीशन से जो उन्होंने आत्मसमर्पण किया हुआ था गॉड को, डिवाइन को, एंजल्स को, अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन, वो उससे बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स के मन में ये रहता है कि मैडम आप साइन नहीं बता रही हो। तो सबसे पहला है यहाँ पर एयर साइन लिब्रा, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो यहाँ पर सभी साइन मौजूद हैं, और टॉरस की और एयर साइन की ज़्यादा वाइब्स हैं यहाँ पर। आपके पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये उनके मोस्ट ऑफ साइन हो सकते हैं। मेजर अरकाना है टेम्परेंस, जस्टिस। तो आपके पर्सन अब जो एक स्टक वाली कंडीशन थी उससे वो निकल आए हैं, हालांकि वो अभी भी अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को एक्शन लेने से रोक रहे हैं,
लेकिन वो काफ़ी थक चुके हैं अपनी फैमिली के बर्डन्स उठाते उठाते, अपनी फैमिली वालों से लड़ते लड़ते, अपने करीबियों से लड़ते हुए, फाइट करते हुए काफ़ी कुछ हद तक वो थक चुके हैं। लेकिन उनको आशा की एक किरण दिखाई देती है, उनको उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, उनको ये लगता है कि मेरे पास अभी भी पावर है और मैं अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से अचीव कर लूँगा। तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन होने वाला है वो यही है कि वो एक अच्छा अमाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास आने वाले हैं और इस रिश्ते में बैलेंस बनाने वाले हैं। जो आपका रिलेशनशिप था वो हो सकता है कि आपके पर्सन बैक एंड फोर्थ करते हों, इन एंड आउट करते हों, कभी मन हुआ आपके मैसेज का आंसर दे दिया, कभी मन हुआ आपसे बात कर ली, कभी मन हुआ आपसे कॉल पे बात कर ली, मैसेज कर दिया। तो अब ये कंडीशन जो थी उनकी कि आप अपनी तरफ से पहल करते थे, आप अपनी तरफ से उनको बार बार अप्रोच करते थे, वो चीज़ अब ख़त्म होने वाली है। ये पर्सन अब गंभीर हो चुके हैं, इनको ये समझ में आ रहा है कि जो रिलेशनशिप है आपका इनके साथ, ये ऐसा नहीं है जो 6 महीने में या 2 महीने में या 8 महीने में ख़त्म हो जाए, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये एक मजबूत बॉन्ड है, ये इस तरीके से नहीं जाने वाला है और ये इनको डिवाइन की तरफ से मिला है और ये लाइफ टाइम के लिए है। अब इनका फोकस धीरे धीरे आपकी ओर आ रहा है, अब ये आपके साथ अपना काशल बनाना चाहते हैं, अपना किला खड़ा करना चाहते हैं, दिल से भी किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, आपकी नज़रों में भी किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं और दुनिया की नज़रों में भी ये अब किंग ऑफ पेंटिकल्स बनकर उभर रहे हैं। इनको क्लैरिटी मिल चुकी है, इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनको आखिर चाहिए क्या है लाइफ में, और इसलिए अभी अपने आप पर वर्क कर रहे हैं। इन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा आपके साथ मैनिपुलेटिंग की है, कभी आपको बताया कि मैं मतलब कहीं होते थे और कहीं बताते थे, बहुत सी बातें उन्होंने छुपाई होंगी पास्ट में, लेकिन अब जस्टिस करेंगे आपके साथ, आपको न्याय देंगे इस रिलेशनशिप में, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अगर आप उन पर फोकस कर रही थी, आप उनको 100% टाइम दे रही थी, तो अब ये भी आपको 100% टाइम ही देंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा अब इनकी ओर से भी। और बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके रिलेशनशिप में एक नई ज्योति आने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। आपके पर्सन आपके लिए जो नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं वो यही है कि वो आकर आपसे सॉरी बोलेंगे, अपोलॉजी करेंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। अगर अभी तक आपसे दूर थे तो अब आपसे इक्वल कन्वर्सेशन बना के रखेंगे, आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। तो ये है उनका अगला कदम जो वो आपके लिए उठाने वाले हैं। तो आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वेलकम पाइल टू। तो जिन भी व्यूअर्स का नाम इन इनिशियल से शुरू होता है देख लीजिएगा, तो उनके पर्सन की उनके लिए क्या नेक्स्ट मूव होगी, क्या नेक्स्ट एक्शन उनके पर्सन लेने वाले हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्रभु बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अगला कदम क्या होगा, उनके लिए क्या नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं उनके पर्सन, उनके लिए प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक डिसीट,
फ्रेंड्स, आपका जो रिलेशनशिप है इसमें किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है या कोई बड़ा कांड हुआ है। आप लोगों का जो रिलेशनशिप चल रहा था अच्छा खासा, वो थर्ड पार्टी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। या आप लोग ब्रेकअप में हैं या फिर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत काफ़ी टाइम से बंद हो, 6-7 महीने हो चुके हों, साल हो गया हो, या फिर कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी है कि आपकी बातचीत हो सकता है कि होती हो लेकिन हाय हेलो तक ही सीमित हो। तो आपकी लाइफ में एक तूफ़ान आ चुका है, स्टॉर्म वार्निंग, एक तूफ़ान आके निकल चुका है आप लोगों की लाइफ से। और ये 10 नंबर है यहाँ पर, ये आपका कर्मा क्लिनजिंग का कार्ड है। तो जो भी हुआ है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से हुआ है, आपके नॉर्थ नोड की वजह से हुआ है। तो इस वजह से आपका जो ब्रेकअप हुआ, आपके रिश्ते में जो डिटैचमेंट हुआ है, वो कुछ लोगों की मनमानी थी, कुछ लोगों का इंटरफियर था इसमें, क्योंकि वो लोग भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़े हुए थे। और डिसीट, तो कोई पर्सन अभी भी है जो ये नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हों, नहीं चाहता है या नहीं चाहती है कि आप दोनों एक साथ रहें, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम गुजारें, एक दूसरे के साथ अपना जीवन गुजारें। कुछ लोग ज़रूर हैं या आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में या कोई फैमिली फ्रेंड्स जो ये कतई पसंद नहीं करते हैं कि आप दोनों एक साथ हों। पर्दे के पीछे है ये पर्सन, आपका भला भी बना हुआ है और आपका भला बन के ही वो आपके साथ छल कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो यहाँ पर 10 नंबर है ये, इसके बाद है 11 नंबर, कॉर्नोकोपिया। अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, आपके पर्सन आपकी ओर आएंगे, मूव करेंगे और विश फुलफिल होंगी आप लोगों की। आप लोगों ने हो सकता है कि गॉड से, ईश्वर से बहुत दुआएं मांगी हो, बहुत प्रे की हो इस रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए। तो ईश्वर से बड़ी शक्ति किसी की भी नहीं है, भगवान ने आपकी सुनी है, आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और उसके बाद आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है आपके इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन का जो अगला कदम हो रहा है, नेक्स्ट मूव हो रहा है, वो यही है कि उनको धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है उनके और आपके रिश्ते की घनिष्ठता का। यहाँ पर जो ये फीलिंग आ रही है वो ये है कि एक लेडी बैठी हुई समझ में आ रही है, इधर एक बच्चा समझ में आ रहा है, लेकिन प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो आप या तो मैरिड हो सकती हैं, आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो, या उनकी फैमिली मेम्बर्स ने आप दोनों के बीच में दरार पैदा कर दी हो, आप दोनों सेपरेशन मोड में हो, सेपरेट हो एक दूसरे से, लेकिन आप दोनों सोलमेट हैं, या तो सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम है। यहाँ पर 11 नंबर है और अब आपकी लाइफ में अपलिफ्टिंग ही होगी, अब आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएगा रिलेशनशिप, आपका बेटरमेंट की ओर जाएगा। आपके जो भी पर्सन हैं वो समझेंगे कि आप उनकी लाइफ में कितनी अहमियत रखती हो। अगला है कार्ड गॉडेस ऑफ द मून, 52 नंबर 7, और ये जो डिसीट का नंबर था ये भी 5+2 7 नंबर था। तो 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है, गॉडेस ऑफ द मून। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होता है कि आप बहुत शांत स्वभाव की हो, आप बहुत काइंड नेचर की हो और आप एक गॉडेस की तरह हो। आपके अंदर जो आपका ऑरा है वो गॉडेस की तरह से है, आप बिल्कुल एक डिवाइन की तरह से हो जो कभी किसी के साथ उलझना पसंद नहीं करती या लोगों की भलाई चाहती है। आप हमेशा अपने जीवन में दूसरों का भला करने की सोचती हो, ऐसा आपके पर्सन को अच्छे से एहसास है। और 5, अटैचमेंट, आपके पर्सन आपके साथ बिताए हुए वक्त को भुला नहीं पा रहे हैं। 5 की एनर्जी है यहाँ पर, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, वो बहुत जल्द अपनी इस पुरानी सेल्फ को छोड़ के बाहर आएंगे। इस लेडी के हाथ में एक मास्क है, आपने देखा होगा ये मास्क इसने अपने फेस से उतारा है। तो अब आपके पर्सन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो चेंज हुआ है, उसके बाद वो अपनी भावनाएं आपसे बताएंगे, रिवील करेंगे। उनका जो अगला नेक्स्ट मूव है वो यही है कि वो अपनी भावनाएं आपके आगे बताएंगे, आके खुद से बताएंगे कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, खुद से बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या परेशानियां सही हैं।
उनका पूरा का पूरा फोकस अब आप पर है, आपके रिलेशनशिप पर है। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हों तो वो अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ अब पीसफुल टाइम गुजारना चाहते हैं। द थिंकिंग मैन बहुत सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ पर मुझे मैरिड वुमेन्स की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं बच्चे के साथ। हो सकता है कि आपके बेबीज़ हों, एक हो दो हों, तो ये पर्सन आपसे दूर हों, लेकिन उनको उनके बच्चों की भी याद आ रही है। फॉर सम ऑफ यू ये मैसेज है, कुछ के लिए ये मैसेज है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपने बच्चों को बहुत याद कर रहे हैं। बच्चों की याद उनको रह रह कर आती है, वो नहीं भुला पा रहे हैं आपको, बच्चों को, और कंटिन्यूस सोच रहे हैं आप दोनों के बारे में। और नंबर 10 यहाँ पर भी है, 6 + 4 = 10। तो ये इनका एक लाइफ का जो साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब इनकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। इनके जीवन का, आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अगला कार्ड है द वर्ल्ड, 9 + 2 = 11, और यहाँ पे 11 था, 11 11। तो आप दोनों एक दूसरे को अपनी वर्ल्ड समझते हो, दुनिया समझते हो। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो। उनकी नज़रों में आप उनकी दुनिया हो, आपकी नज़रों में वो आपकी दुनिया है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए कंप्लीट हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। जैसे कि पजल होता है, उसमें अगर एक पीस ना हो तो वो इनकम्प्लीट लगता है, और जब उसमें वो पजल फिट कर देते हैं तो वो कंप्लीटनेस आ जाती है। तो इस तरीके से आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। इमोशनल लेवल पर आप दोनों बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आप लोग टेलीपैथी से भी बात कर सकते होंगे या करते होंगे, और आप लोग एक दूसरे से हमेशा ही कनेक्ट रहते हैं। तो अगला मूव उनका यही होने वाला है आपके लिए कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि आप उनकी वर्ल्ड हो, आप उनकी दुनिया हो। वो आपको कमिटमेंट देंगे। हो सकता है कि अगर आप उनसे दूर रह रही हो तो वो आपको अपने साथ लेकर जाएं, और अगर आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले हो तो वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो आप लोगों से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।